सारे ने गुरप्रीत कौर की मीठी मीठी सी राम राम। आप सुन रहे हो बांगर की बोली के चुटकले भाग 44। एक आदमी पे 8-10 किले थे। एरवा जमीन थी बंजर, उसमें कुछ जामा को नहीं था और धंधा कि में था नहीं। गांव ने छोड़ के दिल्ली में आ गया और न्यू सोचा बड़ा शहर है उरे कि में काम धंधा टोवेंगे। एतवार का दिन था, चिड़ियाघर देखने वाले का लारा पड़ रहा और भी शेर का बच्चन को पाछा पाछा लग लिया भी देखू ये कड़ा जाए। सारे चिड़ियाघर में पड़ गए और लग गया बढ़न। एक चौकीदार ने रोक लिया, बोले कड़ा जाए नुका मैं भी चिड़ियाघर देखूंगा। अरे चौकीदार बोलिया तेरी टिकट कड़ा है नुका? ये टिकट लेकर बढ़िया सारे नुका हाँ। अरे गए टिकट कटान, टिकट कटी 300 रुपया की। उसने सोचा भी 300 रुपया की टिकट कटी है भीतर बेरानी के चीज देखने की होगी। अरे अंदर गया उसने देखा कड़िया थी, कड़ी शेर, कड़ी बंदर, कड़िया मोर, खरगोश। अरे देखे गया उसने सोचा भी 300 रुपया की टिकट काटी है और कुछ खास चीज पाई है नहीं देखने खातर। अरे लोग तो पूछने लग गया रे भाई उरे की है देखने खातर? बोले रे रे शेर, हाथी, बंदर, खरगोश, मोर, रे घूमन लग रहे हैं। बोले ये नौके 300 रुपये लिए थे। बोले चिड़ियाघर में तो यहाँ चीजों में देखन की और क्या देखागा तुम? उसने सोचा यू बिजनेस बढ़िया भाई, इसमें कुछ भी नहीं लगता, गांव में जाकर यू ही करूंगा, बथेरे किले पड़े हैं मेरे पे। और शेर का बच्चा नाम दे कटवाया लोन 50 लाख का। दसों किल्ले में बना कर चार द्वारी और लिया का जानवर छोड़ दिए। शेर, हाथी, चित्ते, बंदर सारे जानवर ले आया। 10-15 रख लिए नौकर। और बैर बोर्ड ले दिया, चिड़ियाघर देखे सिर्फ 300 रुपये में। इब गांव वाले पड़े हैं रेट 300 रुपये देखे और उल्टे बैठ जाए। सबत महीना कोई नहीं देखने आया। इब सारे जानवरों का चारा, नौकरा की तनख्वाह गोजते भरनी पड़गी। उसने करी मीटिंग और वर्करा ते बोलिया अरे भाई के चाड़ा हो रहा यू, दिल्ली में तो लारा पड़ रहा था लोगों का और उरे एक भी नहीं आया। नहीं बोले जो तो शहर है बड़ा, अरे यू गांव है, उरे 300 रुपये का ब्योत को नहीं किसा का। मालिक बोलिया अरे भाई फिर के करना चाहिए? नुका जी रेट घटा दो। फिर वो रेट तोड़ दिया और बोर्ड पे लिख दिया चिड़ियाघर देखे सिर्फ 200 रुपये में। 200 रुपये देख के अगला महीना भी कोई नहीं आया। अगला महीना फिर नुकसान, फिर मीटिंग बिठाई। नहीं बोले जी 200 रुपये भी गणे दिखे, 100 रुपये कर दो। रेट तोड़ दिया और बोर्ड पे लिख दिया चिड़ियाघर देखे सिर्फ 100 रुपये में। सबत महीना बीत गया और 100 का रेट में भी कोई नहीं देखने आया। मालिक ने सोचा मारा गया भाई, 50 लाख का तो टोटा पड़ गया, अरे ब्लग चबन्नी उल्टी नहीं आई। वर्कर बोले जीब के करा? मालिक बोलिया रे भाई थारा दिमाग बहुत लग लिया, इब मेरा दिमाग लागन दो। इब मालिक ने बोर्ड पे लिखा दिया चिड़ियाघर देखे बिल्कुल मुफ्त। इतना पढ़ते गांव गुआंड का लारा पढ़ लिया। चिड़ियाघर में बंदे पड़ गए कम से कम 5,000। निबले देख लो रे जमाना, पीछे में तो कोई नहीं आया और मुफ्त में लारा पड़ गया। नौकर बोले इब के करा जी? मालिक बोलिया इब के करना वो भी मैं बताऊंगा। मालिक बोलिया कोई बात नहीं, इब काबू आए हैं, 50 लाख का नुकसान हो रहा सारा पूरा करूंगा। मालिक बोलिया रे सारे दर्शक बढ़ लिए भी तेरे कोई रहे तो नहीं? नौकर बोलिया जी सारे बढ़ लिए कोई नहीं रहा। नहीं बोलिया फिर ये चिड़ियाघर कच्चू करता को जितने भी गेट है नहीं सारे का ताले ला दो। नुका जी ला दिए ताले तो इब के करा? बोलिया फिर इब एक काम करो, ये जितने भी शेर हाथी चित्ते है नी सारे के पिंजरे खोल दो। नौकरा ने सारे पिंजरे खोल दिए और सारे जानवर आदमियों के पाछा पड़ लिए। आदमियों की तो पड़ गई बाजड़ और मारा किलकी, मर गए रे, खेलिए रे, बचा लो रे। इब सारे आदमी
उस मालिक का थिर पैरे नुकर खोल दे ताला अमन बैर कैट दे रंजू बोलिया सुनो भाई ध्यान ते भीतर पड़न की ले मने ठन्नी भी अरे बैर लिकड़न का एक आदमी का 1,000 रुपया लेऊंगा नी बोले रे भाई तो 2,000 ले ले मारी जान बचा दे ताला खोल दे इब लोग तो उसने 2,000 रुपये देवे अपनी जान बचावे लिकड़ जाए इब उसका तो ऐसा तुक्का लग गया इसे मिशन में 50,00,000 रुपये इकट्ठे कर लिए नौकरा ने बोलिया भाई बस बंद करो ये बिजनेस अपने पूरे हो गए आगे को नहीं चलता यू वन टू थ्री फोर शेर आथी चित्ते बंदर सारे जानवर लिया दस बंदर जानवर कह दिया दस बंदर नौकर कहना था चलो शेर आथी चित्ते बंदर ठीक है दस शेर हाथी चीते बंदर सारे जानवर ले आया और 10-15 रख लिए नौकर क्या करूं मैं आज यार चल एक घंटा बैठ जाएंगे नहीं तो मैं कंट्रोल करो रुक जा रेडी टेक क्या कहना था शेर हाथी चित्ते बंदर सारे जानवर ले आया 10-15 रख लिए नौकर शेर स्टार्ट कर दो शेर हाथी चित्ते बंदर सारे जानवर ले आया और 10-15 रख लिए नौकर रुक जा आंच पूंछ लूं।